नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। आप सभी को याद होगा 2021 की वो 5 अगस्त, जिस दिन अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर की नींव रखी गई, और हाल ही में बीती 5 अगस्त, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किया गया, काले कपड़े पहनकर किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन की तारीख आखिरकार 5 अगस्त ही क्यों चुनी गई। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। 5 अगस्त के दिन धारा 370 हटाई गई। 5 अगस्त के दिन भगवान श्री राम का जो 550 वर्षों से हिंदू समाज इंतजार कर रहा था, बाबर ने जो कलंक लगाया था, राम मंदिर को ध्वस्त करके बावरी खड़ी करी गई थी, जिसे 6 दिसंबर को ढहाया गया हिंदुओं द्वारा, उसके बाद कोर्ट से लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, उस 5 अगस्त को सर इन लोगों ने काले कपड़े पहन के विरोध किया 370 का, राम मंदिर का। ये लोग 5 तारीख को काला दिवस मना रहे, महंगाई बहाना है, इन्हें विरोध करना है 370 का, इन्हें विरोध करना है राम मंदिर का, इसीलिए इन्होंने 5 अगस्त को चुना। सर आज सैटरडे है, कल संडे है, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, क्या 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? क्या 6 तारीख को प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? इन्होंने 5 तारीख को जानबूझ के चुना है, वो एक तरीके से इन्होंने काला दिवस मनाया है। इनके पीछे पाकिस्तान वालों का हाथ है, तो ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो 70 सालों में हमने बनाया था लोकतंत्र को, अब उसकी हत्या की जा रही है, 8 सालों में उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। सर देखो, लोकतंत्र की हत्या तो इंदिरा गांधी ने की थी, वहाँ जुडिशरी की भी नहीं चली थी, 2 साल तक इमरजेंसी थी, और 2 साल तक सर सारे बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जेपी जी, सबके सब जेल में थे, विपक्ष पक्ष सब जेल में था, सिर्फ इंदिरा गांधी राज कर रही थी। इमरजेंसी की तानाशाह कहा जाता है उसे। सर एक साइन करवाया था राष्ट्रपति से, देश में इमरजेंसी लग गई थी, वो थी तानाशाही। आप कांग्रेस के टाइम की बात याद करो, कांग्रेस के टाइम पे कितनी सरकारों को निलंबित किया गया और कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग मारे गए वेस्ट बंगाल में, मोदी ने एक भी बार राष्ट्रपति शासन लगाया? नहीं। क्या मोदी ने किसी भी सरकार को बर्खास्त करा? नहीं। लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, 18 महीने तक विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के रखा। सर ये थी तानाशाही। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मोदी जब गृह मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन लोगों को अमेरिका का वीज़ा बंद हो गया था, तब सिटिंग होम मिनिस्टर को 2 साल तक तड़ी पार कर दिया था अमित शाह को। सर ये वो दिन भूल गए, डेटिटिक डिपार्टमेंट इनका, ये वो दिन भूल गए जब इन्होंने कांग्रेस के ही जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उन्होंने एक सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, कॉमनल वायलेंस बिल बनाया था जो घोर हिंदू विरोधी था, उसमें तीस्ता शीतलवाड़ वही जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महिला साजिश के तहत मोदी को फंसाना चाहती थी। 20 साल बाद डिसीजन आया है, क्या आप कोई माफ़ी मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे 30 लाख रुपये अहमद पटेल देता था। अहमद पटेल कौन? सोनिया गांधी का सलाहकार। सर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझो, इस देश के मुसलमानों को भड़काने का काम सोनिया गांधी ने करा है, कांग्रेस ने किया है। सीएए के टाइम पे भी सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान से कहा था। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया महंगाई और बेरोजगारी को। आपको नहीं लग रहा है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है? सर पूरी दुनिया में महंगाई इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में कम है। भारत में कोई बर्बादी नहीं हो रही है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, भारत की आबादी 140 करोड़ है, और पाकिस्तान की देखो आबादी, वहां पे क्या बुरा हाल है, 233 रुपए का डॉलर हो रखा है, पेट्रोल देखो 350 के आसपास पहुंच रहे हैं वो लोग। उनकी बात करो ना, बांग्लादेश की बात करो ना, जिनके बाद फॉरेन रिजर्व खत्म है, कभी भी श्रीलंका वाले हाल हो सकते हैं, और इनको हम अनाज पहुंचा रहे हैं। अब कह रहे हैं ना देश बचाना है हमें, कहां चला जाएगा, श्रीलंका ना बन जाए इंडिया? सर नहीं बनेगा, ये विपक्ष वाले भड़का के दंगे करवाना चाहते हैं, हमको इनकी बात में नहीं आएगा, इन्हें कोई चुनाव जितवाने को तैयार नहीं है। लोग सड़कों पर तो बाद में उतरेंगे, लोग पढ़ते लिखते हैं, अखबार आता है, न्यूज़ चैनल चलते हैं घरों में लोगों के, उसमें स्पष्ट दिख रहा है पूरी दुनिया की हालत बुरी है, लेकिन भारत स्टे करके खड़ा हुआ है। भारत अपने आप को अच्छे हाथों में पाता है, मोदी जी के हाथ में, और राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमन जी, अमित शाह जी, इनके हाथों में सुरक्षित पाता है। अगर कांग्रेस में दमता तो 20 राज्यों में थोड़ी हारते, कांग्रेस में दमता तो अपनी सीट ये वायनाड थोड़ी जाते, यहाँ पे हार गया अमेठी में राहुल गांधी। अगर इनमें दमता तो यहाँ पे लड़की बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा करके नारा दिया था इसने, प्रियंका वाड्रा ने। अब प्रियंका वाड्रा सिर्फ एक ही सीट जीती है उत्तर प्रदेश में। सर इनके बस की कुछ नहीं है, हारेंगे, हर जगह हारेंगे, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। महंगाई है, पर औरों से
कम है इस देश में, और महंगाई और बेरोजगारी की पूरी दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता। सारे देशों के हाल बुरे हैं। कोरोना काल के बाद 200 टीके लग चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक यहाँ पे अनाज दिया गया है, उसके बारे में बात नहीं करोगे क्या? 200 टीके ऐसे ही लग गए क्या हमारे देश में? उसको रिकवरी करने के लिए इधर उधर थोड़ा बैलेंस नहीं करना पड़ेगा? 9 रुपये पेट्रोल सस्ता फिर भी किया है मोदी ने, वो बात कोई नहीं करेगा क्या? और जबकि कांग्रेस स्टेटों में पेट्रोल महंगा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा अत्याचार है, वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, ये उनकी बात नहीं करेंगे? राजस्थान छत्तीसगढ़ में लोगों का क्या हाल है वहाँ पे बात करो ना। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें। और कोई चुनाव चिन्ह के दिखा दो तुम। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में सरकार जा चुकी है, राजस्थान में हारने वाले हो, छत्तीसगढ़ में हारने वाले हो। सर कैसे देखते हैं आप जिस तरह से काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? देखिए ये तीन साल पहले 370 टूटी थी 2019 में, और उसके बाद 2020 में 5 अगस्त को ही शिलान्यास हुआ था, जो हमारे पूज्य राम श्री राम जी का, उनके मंदिर का। ये कहीं ना कहीं आज भी 5 अगस्त को ये उसी तरह मनाते जैसे ब्लैक डे मनाते हैं ना। सोचिए भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो हिंदुत्व जब इसने संविधान लिखा था तो जय श्री राम पहले स्टार्ट था, ठीक है, उसके बाद होने के बाद ऐसी पार्टी जब बहाना मतलब एक प्रत्यक्ष रूप पर आना है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष आएगी तो जो 5 अगस्त को ये उसी तरह मनाते जैसे ब्लैक डे मनाते हैं ना। सोचिए भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो हिंदुत्व जब इसने संविधान लिखा था तो जय श्री राम पहले स्टार्ट था, ठीक है, उसके बाद होने के बाद ऐसी पार्टी जब बहाना मतलब एक प्रत्यक्ष रूप पर आना है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष आएगी तो जो 5 अगस्त को ये उसी तरह मनाते जैसे ब्लैक डे मनाते हैं ना। सोचिए भारत देश की सबसे टाइप का, जैसे मुस्लिम राज दे दिया कि सेंटर जो भी बेचता है आप खाओ, हम पूछेंगे, पूछ नहीं सकते आपसे। 370 तो यही हुआ, ठीक है। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने इसका दर्द झेला है और पंडितों का दर्द भी देखा है मैंने। आज जब ये हटने के बाद 3 साल के बाद वो सदमा आज भी इनको लगा हुआ है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 70 साल में जो लोकतंत्र बनाया था उसकी हत्या कर दी गई है, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। मुझे एक चीज़ बताइए, कैसा लोकतंत्र था ये? आप इमरजेंसी आप लगा रहे हैं। सिखों का नरसंहार होता है तो इन्हीं के नेता उसको जस्टिफाई किस तरह से करते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, कुछ लोग सोच रहे थे धरती हिल रही है, भारत की धरती हिल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो थोड़ी बहुत दूर के लिए ये शब्द एक प्रधानमंत्री के, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र था। अब मैं आपको प्रधानमंत्री के मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कहते हैं लोकतंत्र, हाँ। लोकतंत्र पता किससे होता है? हाँ। लोगों से लोकतंत्र है, लोगों की डेवलपमेंट से लोकतंत्र था। आज हम ये छाती पीटते हैं महंगाई। मुझे एक चीज़ बताइए, जिसने देश में सबसे ज़्यादा राज किया हो वो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस के ऊपर अगर वो ये बात कर उधर ये चीज़ बोले कि हाँ ये देखो महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही, महंगाई आज इम्पोर्टेड महंगाई है, देश की किसी चीज़ की वजह से, जिस कमी की वजह से महंगाई नहीं है। ये जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे, आज बाहर कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज यूक्रेन वार चल रही है, देश कई ऐसे देशों में जहां हमारा इम्पोर्ट आज मोदी जी के आने के बाद इस कोविड ने आंखें खोली है। आज कहीं ना कहीं भारत देश की आंखें खुली है, जब हमें लगा कि हम N95 मास्क तक नहीं अपना बना सकते हैं, यहाँ हमें नहीं मिला, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की जो दिया गया वो उसी के ऊपर कि हम तो बिल्कुल डिपेंड है लोगों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। तो आज ये जो काम इनको करना चाहिए थे, आप कहते हैं लोकतंत्र की विजय तब है जब आम लोगों की विजय हो उसमें, तो ये कहीं ना कहीं उनका तो लोकतंत्र के से मुझे नहीं लगता। इवन कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एजेंसियाँ मुझे दे दो, ये कहीं ना कहीं पूरे तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 2014 में मनमोहन सिंह ने इनको तंत्र सौंपा था कि मुझे तंत्र दो फिर मैं बताता हूँ कैसे जीता जाता है? तो क्या मनमोहन सिंह ने इनको तंत्र दिया था? क्या उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की?
ये एक सोचने लायक बात है। और राहुल गांधी तो उनके कोई उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता इस वक्त, क्योंकि पूरे देश में वो ख़त्म होते जा रहे हैं जी। चलिए तो देखिए, तमाम जनता ने बताया कि आखिरकार ये जो विरोध प्रदर्शन है वो काले कपड़े पहनकर क्यों किया गया, क्या वही 2021 की 5 अगस्त जिसमें रामलला मंदिर की नींव रखी गई थी, अब वो उसको वो ब्लैक डे में मना रहे हैं।